टॉपिक है वो है पॉपुलेशन, जीन पूल, एलील्स एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। इन सब की डिफाइंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले है पॉपुलेशन। ये हार्वर्ड में 2016 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, पॉपुलेशन इज अ लोकलाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द स्पीशीज, या फिर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज एट सेम प्लेस एट सेम टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। देन स्पीशीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर। के स्पीशीज क्या है, पॉपुलेशन का ग्रुप है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीशीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट्स, डॉग्स। अब ये क्या है, ये स्पीशीज हैं। जिस तरह से कैट्स की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पीशी के तौर पर, तो कैट्स क्या है, कैट्स जितनी भी हैं वो क्या है, उनकी स्पीशी है। तो क्या कर सकती हैं, आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आगे भी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकते हैं। देन है जीनोम। जीनोम क्या होता है, सम ऑफ ऑल जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है उसके जितने भी, उसकी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं उन सब का जो सम है उसको हम कहते हैं जीनोम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमन में जीनोम क्या है, हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स और उसके अलावा जो हमारे न्यूक्लियस के जीन्स हैं, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और अगर हम प्लांट्स की एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में न्यूक्लियस के जीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स और क्लोरोप्लास्ट के जीन्स, इन सबको कलेक्टिवली हम कहेंगे जीनोम। सम ऑफ ऑल जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोम। देन है जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक स्फीयर है, इसके अंदर पॉपुलेशन है 1000 की पॉपुलेशन है, तो ये जो 1000 की पॉपुलेशन में कितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इन सब के जीन्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे जीन पूल। देन जीन क्या होता है, जीन जो है इसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जीन होता है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट जिसके ऊपर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, जो कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बनवाता है जो कि स्पेसिफिक ट्रेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ट्रेट की हम बात करते हैं, आइस कलर, उसके अलावा हेयर कलर, स्किन कलर, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ट्रेट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो कि जीन्स बनाते हैं। देन है फिक्स्ड जीन। फिक्स्ड जीन क्या होता है, फिक्स्ड जीन भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहले आ भी चुका है। इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर द सेम अलील, दैट अलील इज सेड टू बी फिक्स्ड इन द जीन। फिक्स जीन्स क्या हैं, फिक्स जीन ऐसे जीन्स हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाती हूँ। हम कहते हैं कि एक मदर है, उसके भी जीन्स क्या हैं, टॉल हैं, और जो फादर है उसके भी जीन्स क्या हैं, कैपिटल टी हैं। तो जब ये क्या है, ये ट्रू ब्रीडर्स हैं। तो जब ट्रू ब्रीडर्स को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, तो आगे जो इनकी जनरेशन आएगी वो भी क्या आएंगे, कैपिटल टी होमोजाइगस ही आएंगे। तो हम कहते हैं फिक्स जीन क्या होते हैं, जिनमें उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी क्या हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं, कि जो उनके पेरेंट्स के जीन्स हैं वही उनके जो हैं आगे ऑफस्प्रिंग के जीन्स होंगे। देन जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप जो है वो दो तरह की होती है, एक हम कहते हैं होमोजाइगस और एक हम कहते हैं हेटरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होती है, होमो मीन क्या होता है, सेम, एंड जाइगस मीन क्या होता है, जाइगोट। तो होमोजाइगस कौन से हैं, जिनमें दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि कैपिटल टी होंगे, इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। अब हेटरोजाइगस जीनोटाइप क्या होती है, हेटरो मीन होता है डिफरेंट, तो हेटरोजाइगस जीनोटाइप क्या है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि जो जाइगोट हैं वो दोनों क्या है, वो डिफरेंट है। तो ये है हेटरोजाइगस जीनोटाइप। देन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जिसमें हम अलील्स की फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं, इसकी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के साथ। फर्स्टली फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम कहते हैं कि 500 इंडिविजुअल्स हैं, तो उन 500 इंडिविजुअल्स में से हम किसी एक कॉमन जीन की स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, और उन जीन्स में आगे हम अलील्स की जब स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के साथ, एक एग्जांपल के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमडी कैट के लिहाज से। 500 इंडिविजुअल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, 500 प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 500 प्लांट्स में हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेराइटीज़ आ जाती हैं, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आ जाते हैं। एक ट्रेड कौन सा है, जिसमें हम कहते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, और दूसरे हमारे पास हैं वाइट कलर के फ्लावर्स प्लांट्स में। तो इनमें जो 500 प्लांट्स हैं, इनमें से 480 जो हैं वो पिंक हैं, और जो 20 हैं वो वाइट हैं। और जो पिंक हैं ये डोमिनेंट हैं, और जो वाइट हैं वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो 480 में अब हमने कहा कि डोमिनेंट कौन से हैं, पिंक वाले, और रिसेसिव कौन से हैं, वाइट। तो जब हम डोमिनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डोमिनेंट की दो कंडीशन आ जाती हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट
और एक आ जाता है हेटरोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट है और साथ ही साथ ये क्या है, होमोजाइगस है। तो इसमें हमने कहा कि 480 जो पिंक कलर के फ्लावर्स थे उनमें से भी जो 320 थे वो क्या थे, डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, और 160 जो थे वो क्या थे, हेटरोजाइगस जो है वो डोमिनेंट। तो हेटरोजाइगस डोमिनेंट कितने थे, 160। ये तो हमारे पास जीन्स थे उनके। अगर हम इनमें अलील्स देखें, क्योंकि जीन्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं अलील्स। तो टोटल जो 500 प्लांट्स थे उनके अलील्स थे 1000, और इसी तरह से जो हमारे पास 320 और 160 थे इनको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलील्स, ये जीन्स हैं, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलील्स आ जाएंगे। तो टोटल जो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट थे वो 640 अलील्स थे, और जो हमारे पास हेटरोजाइगस फॉर्म में डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट थे पिंक कलर के फ्लावर्स वो कितने थे, 320 अलील्स थे। इसी तरह से जो वाइट है वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म में होमोजाइगस हैं लेकिन रिसेसिव फॉर्म में है। तो ये इसके हमारे पास टोटल अलील्स कितने आ गए, 40। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी आती है। तो टोटल परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया, हमने डोमिनेंट लिख लिए, डोमिनेंट जो थे जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट थे, फिर हमने हेटरोजाइगस डोमिनेंट को इस तरह से सेपरेट फॉर्म में लिख लिया, और देन हमने होमोजाइगस जो रिसेसिव है उनको इस तरह से लिख लेना है। अब हमारे पास जो डोमिनेंट फॉर्म में है वो कितने थे, टोटल 640, देखिए कितने हैं 640, और टोटल कितने हैं अलील्स 1000, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64%। देन हम कहते हैं डोमिनेंट जो थे वो एक क्या थे, 160, और दूसरा जो रिसेसिव फॉर्म में भी थे वो क्या थे, 160, इनको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16% डोमिनेंट और 16% क्या आ जाएंगे, ये रिसेसिव फॉर्म में। और फिर हम देखेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कितने आते हैं, 40/1000, तो ये कितने आ जाएंगे, 4%। अब देखें यहाँ पर ये सारे, ये तीनों के तीनों क्या है, डोमिनेंट है, और ये तीनों के तीनों क्या है, रिसेसिव। तो इनकी टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो 64 और 16% हो गया 80%, यानी कि हमने कहा 640 प्लस 160 तो ये 800 हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हमारे पास आएगा 0.8, ठीक है, जो कि क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट को हम जो है वो पी, लेटर पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से रिसेसिव फॉर्म में जो हमारे पास हैं वो हैं 160 और उसके अलावा 40, तो 160 प्लस 40 कितना हो गया, 20, 20/1000 इज इक्वल टू 0.2%। अब 0.2% जो है इसको हम, क्योंकि ये रिसेसिव है तो रिसेसिव को हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है पी स्क्वायर, ये फार्मूला है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है उसको सॉल्व करें तो आप किस तरह से करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, कि जितनी भी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। तो देखिए पी हमारे पास क्या था, पी हमारे पास था डोमिनेंट, तो डोमिनेंट कितना आया 0.8 स्क्वायर, प्लस क्यू क्या था हमारे पास, रिसेसिव था, वो कितना आया 0.2, तो ये 0.2 स्क्वायर प्लस 2, पी की वैल्यू लिख देंगे 0.8 और क्यू की वैल्यू 0.2, ठीक है। उसके बाद 0.8 का स्केयर जो है वो है 0.64 प्लस 0.2 का स्केयर है 0.04, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.32।